लेकिन इस बीच एक खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ चुके हैं, केशव भजंका जी, सेंचुरी प्लाई के ईडी हैं। केशव सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अर्निंग्स पे तो आपसे बातचीत होती रहती है, आपके बिजनेस ग्रोथ पे बातचीत करते हैं, आज जरा देश की ग्रोथ पे बातचीत करते हैं। सर ये बजट आपने भी सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आपने फाइन ट्यून्स तो जरूर ही पढ़े होंगे। सर आपका फर्स्ट टेक। धन्यवाद मुझे शो को बुलाने के लिए। मैंने पूरा बजट सुना है और मुझे लगता है कि एक बहुत ही वेल बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म बजट है। देखिए इसमें गवर्नमेंट ने ये दिखाया है कि ये इलेक्शन या पॉपुलिस्ट मूव्स पे फोकस नहीं कर रहे हैं, ये इंडिया की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं। कुछ हाईलाइट्स, 11 लाख करोड़ प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक्सपेंडिचर, 2 करोड़ घर प्रधानमंत्री आवास योजना में एडिशनल, फोकस ऑन टूरिज्म, फोकस ऑन हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, फोकस ऑन प्रोजेक्ट्स लाइक डेडिकेटेड रेल कॉरिडोर्स। मेरे को लगता है कि ये सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश के लिए और हमारे सेक्टर्स के लिए इन पर्टिकुलर बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। हाउसिंग को लेकर भी सरकार ने ठीक ठाक फोकस किया है, एक तो मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम आएगी, बाकी जो पीएम आवास योजना उसके तहत अगले 5 साल में 2 करोड़ घर और बनाए जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आपके लिए बूस्ट होगा। किस तरह के मौके आप देख रहे हैं? मैं तो बहुत अधिक मौके देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि आगे जाके अगले 2 डेकेड इंडिया के हैं, और जैसे आपने देखा है चाइना ने ग्रो किया है, यूएस ने ग्रो किया है, 3 ट्रिलियन से 10 ट्रिलियन की जर्नी अब हमारी है और फिर 10 से 30 ट्रिलियन की जर्नी हमारी है। तो मुझे लगता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं और इंडिया में सारे चीज करेक्ट हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो फोकस किया जा रहा है उसकी वजह से 2-3 साल बाद जो बेनिफिट हमें मिलेगा वो बहुत सब्सटेंशियल होगा। तो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। सर मार्क्स कितने देंगे आउट ऑफ 10? 10 में से 10 में से 10 सारे 10 में से 10 दे रहे हैं। मैंने बहुत बढ़िया बैलेंस्ड बजट लेके आए हैं और खैर ये मार्केट से भी दिख रहा है और आपकी स्टेटमेंट से भी दिख रहा है। केशव जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी सर। थैंक यू वेरी मच सर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तीनों मेहमान मेरे साथ तैयार हैं, साथ ही थोड़ी देर में हीरानंद नानी जी भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा।